अब एक बढ़िया फीचर है, जब मैं इस गाड़ी के पास आऊंगा ना तो भाई गाड़ी अनलॉक हो गई। अब एक चीज़ और देखो, इसको बंद करने का भी है ना, इसको डायरेक्ट बंद नहीं करना, इसको प्रेस करके रखो, ये आपका बंद हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेडेबल 08। आज अपने साथ रहने वाली है यार इलेक्ट्रिक की प्रीमियम SUV। इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 4.6 मीटर के आसपास की है, जो बहुत अच्छी हो जाती है। और व्हील बेस भाई बहुत ही खतरनाक है, लगभग 3000 mm। इसका मतलब ये समझ के चलो कि इसके अंदर जो स्पेस है वो भरपूर मिलने वाला है। सबसे बढ़िया बात क्या है, ये इलेक्ट्रिक SUV है और उसमें भी भाई बहुत ही बढ़िया रेंज देने वाली है। प्रीमियम है ये और फीचर्स इसके अंदर इतने हैं ना कि एक एक करके देखोगे तो भाई कहोगे कि यार क्या बढ़िया चीज़ बनाई है। शुरुआत करेंगे इसके यार फ्रंट से, तो यहाँ पे सबसे पहले लाइट्स का पूरा डिज़ाइन देखो आप लोग, बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है इसके अंदर। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, एडास रहता है इसके अंदर। यहाँ पे आपको एक कैमरा मिलेगा, दैट मीन्स 360 कैमरा है इसके अंदर, और ये हुंडई का लोगो हो गया। विड्थ इस गाड़ी की 1890 mm की रहने वाली है। कलर ऑप्शन इसके अंदर 3 आ जाते हैं, एक तो ये वाइट है, एक ग्रे है और एक इसके अंदर आपको गोल्डन कलर टाइप्स मिल जाएगा। और यहाँ से आप नोटिस करो इसके व्हील्स, तो भाई इस गाड़ी के अंदर 20 इंचेस एलॉय मिलने वाले हैं। अब बताता हूँ आपको इसकी कीमत, 45,95,000, दैट मीन्स 45,95,000 रुपीज़ की ये पड़ती है एक्स शोरूम। और ऑन रोड की बात करोगे तो अप्रॉक्स 49 लाख रुपीज़ की ये पड़ेगी आपको। मैं हूँ फॉर्च्यून हुंडई में, इसके रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड भी नहीं है इस गाड़ी के ऊपर, तो ये हो जाती है। यहाँ पे आप नोटिस करो ये स्किड प्लेट, और यहाँ पे ना ये क्रोम टाइप्स लग रही है। अब सबसे बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा आपको, ये है इसकी कीज़। अब की क्या है, बड़ी ही बढ़िया की है इसके अंदर। लॉक अनलॉक का बटन एज यूजल होता ही है। इसका फीचर अभी दिखाऊंगा कि इसको होल्ड करके क्या होगा, बूट का भी बताऊंगा, और इसके होल्ड करके गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाने वाली है। अब एक बढ़िया फीचर है, जब मैं इस गाड़ी के पास आऊँगा ना तो भाई गाड़ी अनलॉक हो गई, और जैसे ही दूर जाऊंगा गाड़ी आपकी लॉक हो गई। ठीक है, यहाँ पे अब इसके व्हील्स देखो आप भाई, 20 इंच के मैसिव हैं ये, मैसिव। मिशलिन का टायर है, 255/45R20, बहुत ही अच्छा व्हील लग रहा है। प्रॉपर क्लैडिंग्स हैं, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और यहाँ पे भी आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर 360 कैमरा आ रहा है। ORVM का फंक्शन आपने देख ही लिया है, फोल्ड अनफोल्ड सब कुछ है इसके अंदर। और भाई यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा ये एक निशान इसके अंदर, यार ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी हैं क्योंकि एडास आता है इसके अंदर। बाकी जो डोर हैंडल है ना, ये आपके इलेक्ट्रिक हैं, फ्लश डोर हैंडल हैं। और ये देखो यार पूरा साइड प्रोफाइल बहुत ही प्यारी है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अप्रॉक्स 163 mm की है, और ये तब मानी जाएगी जो मतलब क्लेम कर रखी है ना कि जब इसके अंदर पैसेंजर्स बैठ जाएंगे, उतनी बैठने के बाद आने वाली है। प्लस देखोगे आप इसके तो ग्लोसी ब्लैक कर रखे हैं, और ऊपर इसमें मून रूफ है, मतलब भाई खोलने का चक्कर नहीं है, सिर्फ इसके मजे लो। पीछे शार्क फिन एंटेना है जो ब्लैक कलर का हो जाता है। और ये कुछ रहने वाला है इसका यहाँ से साइड का और रियर का लुक। अब जो मैं एक चीज़ दिखा रहा था वो आपको दिखाता हूँ, ये आपकी की है ना, यहाँ से मैं इस बटन को होल्ड करके रखूँगा तो ये देखो यार क्या प्यारे तरीके से खुला है। यहाँ पे आपका फास्ट चार्जर भी सपोर्ट करता है, DC 150 वाट का चार्जर, बहुत जल्दी चार्ज हो जाने वाली है। ये पूरे चार्जिंग के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, और भाई यहाँ से नॉर्मल घर का जो चार्जर होता है 11 kW का जो आपको मिलेगा इसके साथ, उससे आप इसको चार्ज कर सकते हो लगभग 7 घंटे में। अब आप कहोगे कि भाई इसकी रेंज कितनी है, तो कंपनी कह रही है कि 631 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में चल जाएगी। लेकिन रियल लाइफ में यार मैं कह के चल रहा हूँ भाई, इंसान हर तरीके से चलाता है, तो 100 किलोमीटर कम कर दो तो उसके बाद कितनी बची, लगभग 500-550 तो चलेगी ना। अब एक चीज़ और देखो, इसको बंद करने का भी है ना, इसको डायरेक्ट बंद नहीं करना, इसको प्रेस करके रखो, ये आपका बंद हो गया। फ्यूचरिस्टिक है भाई, फ्यूचरिस्टिक। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे डिफोगर्स, हाई माउंट स्टॉप लैंप है ये, और ये इसका स्पॉयलर है डुअल टोन के अंदर, वाइट और ग्लोसी ब्लैक, और काफ़ी बड़ा स्पॉयलर है। पीछे का पैटर्न देखो आप LED का, यार ये ग्लो होते हुए ना बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। फिलहाल इसका इंडिकेटर दिखाता हूँ, इसको अनलॉक करते हैं तो भाई कुछ इस तरह का है, और सोचो जब ग्लो होगी तो कितनी अच्छी लगेगी। यहाँ पे बैजिंग है आयोनिक 5 वाइट कलर के अंदर,
यहाँ पे सिल्वर, ये आपको थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं और 4 पार्किंग सेंसर्स, पीछे भी एक कैमरा दे रखा है, बेसिकली 360 कैमरा है। क्वालिटी अंदर दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छी रहेगी। चलो अब एक चीज़ नेक्स्ट देखते हैं, इसको होल्ड वाले बटन को मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, तो भाई ये आपका अनलॉक हो गया। तो इसका जो टेल गेट रहने वाला है वो आपका इलेक्ट्रिक रहेगा। बूट स्पेस तो भाई बहुत ही है इसके अंदर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये इसका जो चार्जर है वो रखा हुआ है साथ में, पूरा का पूरा आ गया, तो इससे आप समझ सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट्स हैं और ये इसकी शेल्फ हो जाएगी, और ये फिलहाल खुल नहीं सकती क्योंकि ये सामान रखा हुआ है। बाकी ये फोल्डिंग वाली है, और यहाँ से आप ऊपर का पूरा सिस्टम देख लो, ये हैंडल है, और यहाँ से इसको बंद कर दो। ये हो गया, अब चलेंगे भाई गाड़ी के अंदर। सबसे पहले रियर दिखाऊंगा, तो भाई यहाँ पे आपको कर्टेंस हैं, और इसकी डोर ट्रिम देखो यार, यहाँ पे डिज़ाइन देखो, पूरा ग्रे डिज़ाइन। बोस के स्पीकर्स हैं ये रे भाई, 8 स्पीकर्स मिलेंगे, बोतल आ जाएगी आराम से। ये हैंडल्स हैं। अब एक चीज़ देखो, ये सीट्स जो ये है ना, ये सीट्स आपकी इलेक्ट्रिक हैं, स्लाइडिंग जो आप यहाँ से कर सकते हो, ये आपकी आगे पीछे हो जाएंगी। और भाई हीटेड सीट्स रहने वाली हैं ये, यहाँ से आप 2 लेवल तक कर सकते हो। और ये एम्बियंट लाइट्स, और फिनिशेस भाई बहुत ही प्रीमियम, जैसे कि ये, और ये पूरा का पूरा ना, पूरा पैनल सॉफ्ट टच है, बेसिकली लेदर है ये, तो बढ़िया है ना। पूरा का पूरा व्हील बेस मैंने आपको बता दिया। अब अंदर क्या है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पॉकेट्स हैं, देखो स्पेस की कमी नहीं आने की है, 5 सीटर कार है ये। और यहाँ पे आपको 2 सॉकेट मिल जाएंगे टाइप ए के, इधर स्पेस मिल जाएगा भाई, फ्लैट फ्लोर है। अब इसकी जो बैटरी है वो कहाँ प्लेस कर रखी है, तो मैं नीचे दिखाता हूँ, वो भाई यहाँ पे नीचे की तरफ प्लेस है, पूरी की पूरी बैटरी गाड़ी के नीचे की ही प्लेस कर रखी है इसकी, ठीक है। अब वो भी रिक्लाइनिंग है एज इट इज़, पीछे का यही हो जाता है। 3-point सीट बेल्ट हो गई, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो मतलब यार ये चीज़ तो मिल ही जाती है ना। और यहाँ पे ये आर्मरेस्ट है, और सीट्स का जो फैब्रिक है ना, इनका कहना है, बेसिकली कहना क्या है, जो लिखा है वही है कि इको प्रोसेस ने, दैट मींस ये जो लेदर इसके अंदर यूज़ किया गया है ना, मतलब इसमें किसी एनिमल को हार्म नहीं किया गया, तो ये एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे आगे वाले आप ये हेडरेस्ट देखो, और ऊपर ये मूनरूफ जो अंदर से रहने वाली है। मज़ा देखो दोनों चीज़ों का है, लेकिन ये खुलेगी नहीं, तो एक वो एक अलग चीज़ है। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, तो ये फ्रंट की पहले इधर वाली ट्रिम देख लो, पैसेंजर वाली, ये पूरी ट्रिम एज इट इज ही है। वो स्पीकर होगा, ये ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे, यहाँ पे स्कफ प्लेट है आयोनिक 5 की, और जो सीट्स है ना, ये देखो आप, पैसेंजर वाली भी 12 वे एडजस्टेबल है, दैट मीन्स ये है तो उधर वाली भी ऑब्वियसली होगी, तो यहाँ पे 12 वे एडजस्टेबल है। लंबार हो गया, अप एंड डाउन हो गया, आगे पीछे हो गया, और एक चीज़ बहुत प्यारी दिखाता हूँ, तो भाई ये देखो आप, ये वाला फंक्शन यार, कंफर्ट तो इसमें नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अब चलते हैं भाई ड्राइवर सीट पे सीधे। अंदर चलने से पहले भाई मैंने आपको बताया ही था, इसको लॉक अनलॉक यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ने की है, क्योंकि यहाँ से जब पास आते हैं ना, तो ऑटोमेटिक खुली जाती है, जो स्टार्टिंग में दिखाया था ये फीचर हो जाता है। अब यहाँ की ट्रिम देख लो आप, यहाँ पे सारे विंडो के कंट्रोल्स हैं, ORVM के कंट्रोल्स हैं, सब सिल्वर फिनिशेस हैं। ये सारा पार्ट जो है एज इट इज़ पूरा लेदर है, ये वाला पार्ट आपका फैब्रिक है ना, फैब्रिक बाकायदा लगा रखा है। यहाँ पे आपकी हो गई बोस की ब्रांडिंग, बोतल रख सकते हो, और यहाँ पे आपके ट्विटर्स हो गए। अब अंदर लेके चलता हूँ, और उससे पहले यहाँ देख लो, ये वाली जो सीट्स हैं ये भी आपकी इलेक्ट्रिक रहने वाली हैं, 12 वे एडजस्टेबल। चलो अंदर लेके चलता हूँ आपको, आपको भी इंतज़ार हो रहा होगा। तो यार ये रहेगा इसका पूरा इंटीरियर, 2 डिस्प्ले मिल रही हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, दोनों 12.3 इंच की रहने वाली हैं, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। और एक चीज़ सेंटर में भाई, कोई वो आपको गियर लीवर नहीं दे रखा। अब यहाँ पे एक कैच है, गियर लीवर आपको मिलेगा यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे आपको ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्किंग, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। अब एक चीज़ और देखो, जब आप पास में लेके चलोगे तो यहाँ पे पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड, और यहाँ पे आपका बूट खुल जाएगा, ट्रैक्शन और हेडलाइट लेवलर। क्या यूनिक जगह दे रखी है,
ये सारे कंट्रोल्स हैं आपके हेडलैम्प्स की, ऑटो हेडलैम्प्स हैं, और इधर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वो भी ऑटो हैं। पैडल शिफ्टर्स दे रखे हैं, और भाई ये हैं ड्राइव मोड्स। यहाँ से आप स्पोर्ट्स मोड, रेड हो गई स्क्रीन, इको, और यार मीटर, इसके ग्राफिक्स बहुत ही क्लासिक लग रहे हैं, और ये इसका नॉर्मल मोड हो गया। तो भाई जैसी कीमत वैसा मजा। इस रेट में कुछ गाड़ियां और भी आ रही हैं जिनमें कुछ नहीं मिलता, बाकी आप समझदार हो। यहाँ पे सारे मोड्स हैं, बेसिकली जो सारे कंट्रोल्स हैं वो इससे रिलेटेड हैं। इधर आपको ड्राइवर असिस्ट, बेसिकली इधर आपको MID के कंट्रोल्स, और साथ के साथ भाई आपको लेन असिस्ट जो ADAS से रिलेटेड हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट से रिलेटेड, वो सब आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या है अंदर, ड्राइवर इन्फो हो गई, नेविगेशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये आपका अटेंशन लेवल है। यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है इसके, ये मैनुअल है, इसको आप अप एंड डाउन दोनों कर सकते हो, तो ये आपका मैनुअली रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। सेंटर पैनल देखो यार, अब यहाँ पे ये भी लेदर है, ये भी सब आपका जो है ना सॉफ्ट टच प्लास्टिक है, देखो आप प्रेस हो रही है, और यहाँ पे ये हार्ड है। AC का कुछ वेंट्स, पूरा डिजाइन ऐसा है, ऐसा हैजार्ड स्विच। भाई ये जो टच स्क्रीन है ना, इसका रिस्पॉन्स यार बहुत ही क्लासिक है यार, बहुत ही, मतलब बहुत बढ़िया चल रही है। EV मोड आ गया, मैप, नेविगेशन, फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट की सेटिंग्स, वार्मर वेंटिलेशन। फ्रंट वाली जो सीट्स है ना आपकी, वो वेंटिलेटेड भी हैं प्लस हीटेड भी हैं, और रियर वाली मैंने आपको बताई थी वो हीटेड सीट्स हैं। और मेमोरी सीट फंक्शन, इसको भाई अपने अकॉर्डिंगली आप लोग एडजस्ट कर सकते हो 3 मोड्स में। यहाँ देखोगे आप अपने अकॉर्डिंग भाई सबका, आगे का भी, पीछे का भी, रिक्लाइन का भी मेमोरी फंक्शन सेट कर सकते हो, मोड 1, मोड 2, मोड 3, जैसे आप लोग चाहो। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। वैले मोड हो गया, ब्लू लिंक है इसके अंदर, जिसके अंदर 60+ फीचर्स होते हैं जो आप अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो, तो ये सब हो जाता है। और भाई इधर मिलेगा आपको डिफरेंट टाइप्स का ग्लव बॉक्स। वाओ यार, ऐसा ग्लव बॉक्स यार मैंने अभी तक सीरियसली नहीं देखा, आपने देखा हो तो कमेंट करना। देखो यार किस तरीके से खुल रहा है, मतलब नीचे को नहीं खुलना, ये देखो, ये पूरा इसका ऑटोमेटिक AC का पैनल हो गया है ना, यहाँ से ऑफ कर सकते हो, और जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो ये आपकी डिस्प्ले हो गई, फैन की स्पीड शो हो रहा है, और इसमें आपका टेम्परेचर हो गया, वार्मर एंड ऑल, ये सब चीज़ें यहाँ पे भी शो हो रही हैं, ऑफ कर देते हैं फिलहाल। यहाँ पे आपका ये पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ, ये आपका 360 कैमरा, कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक ये आवाज़ कम तेज करने के लिए दे रखा है बटन, और भाई ये पूरा जो थीम है ना, ये डुअल टोन के अंदर है, लाइट कलर्स हैं जो काफ़ी आंखों को भा रहे हैं भाई। ऊपर आपको यहाँ पे एक वैनिटी मिरर है लाइट्स के साथ। इधर आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक, मतलब ऑटो डिमिंग IRVM भी कह सकते हो, बट इसके बेजल्स बहुत कम है। और यहाँ पे आपको सेम एज मिरर मिल जाएगा विद लाइट्स, क्वालिटी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखो, 180 वॉट तक का 12 वोल्ट का चार्जर दे रखा है, और एक USB, इसमें क्या है टाइप सी चार्जर नहीं दे रखा, और यहाँ पे भी आपको टाइप ए टाइप सी नहीं है, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर जो यहाँ नीचे की तरफ मिल जाता है। तो इनका फोल्डर्स हो गए, ये हार्ड प्लास्टिक है, और ये है आर्मरेस्ट जो काफ़ी बड़ा है। अब इस आर्मरेस्ट के अंदर क्या है ना, इसको नॉर्मली उठा दूंगा तो नीचे भाई कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ ऐसे कुछ है खुला खुला सा। अब ट्रांसमिशन तो बीच में है नहीं, वो मैंने आपको दिखाई दिया था, और यहाँ पे एक बटन सा दे रखा है, इसको प्रेस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा इसके अंदर स्पेस। और यहाँ पे ये रबराइज्ड है, कुछ रखा होगा ना, वो स्लिप नहीं होने का और आवाज़ नहीं करने का। और भाई यहाँ पे क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी ही है। तो ये है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे, पैसे की बात हो गई है कि ये पैसे की कितने की पड़ती है। प्रीमियम हो गई है, सब कुछ मिल रहा है इसके अंदर, कंप्लीट है 49 लाख रुपए की अप्रॉक्स। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब भाई इस गाड़ी को लेने के बाद वारंटी कितनी मिलती है, तो जो बैटरी है उस पर 8 साल की वारंटी है, जो एक अच्छी चीज़ है, और 1,60,000 किलोमीटर की जो पहले हो जाए। इसके अलावा जो गाड़ी की वारंटी है
वो 3 साल है, 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस है इस गाड़ी पे, रेंज काफ़ी अच्छी है। अब सबसे मेन यार, इस गाड़ी की पावर्स क्या हैं? 217 PS की पावर है और 350 या 360 अप्रोक्स NM का टॉर्क है इसके अंदर। मतलब भाई अलग ही लेवल होने वाला है, अलग, बहुत ही बढ़िया चलने वाली है। और सबसे यूनिक चीज़ मुझे इसके ये पार्किंग ब्रेक्स वगैरह जो सब इधर दे रखी है ना, ये मुझे बहुत यूनिक लगे। सेफ्टी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, एडास हो गया, ठीक है। इसके अलावा भाई 6 एयरबैग्स हो गए, तो सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब सब कुछ बिल्कुल भाई प्रीमियम यूज कर रखा है इसके अंदर। और भाई कीमत, अब जैसे कि यहाँ पे RTO बहुत ही नॉमिनल है, टैक्स नहीं लग रहा, सिर्फ एक चार्ज लग रहा है, तो उसकी वजह से 49 अप्रोक्स बैटरी है। तो यार उस हिसाब से जो इस बजट में है ना, उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। अब आप लोग मुझे बताओ, कमेंट करो कि आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी, है ना। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखो ये लाइट्स हैं सारी, ठीक है, यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएंगी। SOS का स्विच है, माइक है, तो ये सब हो जाता है ना। सीट्स का कंफर्ट भी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। चलो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।